मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डोनट होल्स की रेसिपी। जब हम नॉर्मल डोनट बनाते हैं, मतलब ऐसा वाला डोनट और बीच में जो होल होता है, तो उसे बनाते समय जो वो हिस्सा बाहर निकलता है उसे भी अलग से फ्राई किया जा सकता है या बेक भी किया जा सकता है, और वो होते हैं डोनट होल्स। अगर आप चाहें तो उसी टाइप के डोनट्स अलग से बना सकते हैं जो पूरे के पूरे डोनट होल्स ही होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बनाऊंगी वैसे ही डोनट होल्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डोनट होल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप गुनगुना पानी। पानी गुनगुना ही होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। फिर डालें 2 टीस्पून चीनी। अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर ले जब तक कि पूरी तरह से पानी में घुल ना जाए। चीनी मिक्स करने के बाद डालें 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई यीस्ट। अगर आप यीस्ट नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप कोई भी मेरी नो यीस्ट ब्रेड या फिर पिज्जा वाली रेसिपी देख सकते हैं, और उसमें जो मैंने डो बनाया है वो भी आप इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं, पर आपको चीनी डालनी पड़ेगी। अब 10 से 15 मिनट इस यीस्ट के मिक्सचर को रखने के बाद ये अच्छे से फूल जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा। यीस्ट एक्टिवेट हो तभी आगे रेसिपी में उसे यूज करें। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा पूरा ले सकते हैं या 50-50 भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर है पिसी हुई चीनी 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून। फिर डालें 1 चुटकी नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लें। जब हम आटा गूंधेंगे तो ये सारी चीजें और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो चिंता ना करें, चीनी घुल जाएगी। फिर डालें यीस्ट का मिक्सचर। अब यीस्ट का मिक्सचर जो है ऑलरेडी लिक्विड है, इसके बाद आप थोड़ा सा ही पानी यूज करें, एकदम से ज्यादा पानी ना डालें। डो को फिर हमें अच्छे से गूंदना है, बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है, पुल करना है। इसे ज्यादा अच्छे से गूंदने से उसमें ग्लूटेन फॉर्म होता है और जो डोनट का टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा आता है। पर जैसा मैंने कहा, आप यीस्ट नहीं यूज करना चाहते तो मेरी नो यीस्ट वाली रेसिपी यूज कर सकते हैं डोनट बनाने के लिए। अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो जो डो हुक अटैचमेंट है उसे लगाकर आप इसे केवल 5 मिनट घुमाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। साथ ही में बटर भी यूज करें, यह है लगभग 1 टेबलस्पून बटर। थोड़ा सा यहाँ वहाँ होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटर डालने के बाद आपको लगेगा जैसे जैसे बटर मिक्स होगा कि आटा लूज हो रहा है, ज्यादा ढीला हो रहा है। कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे से ऐसे ही गूंदते रहें और कम से कम 10 मिनट गूंधे। 15 मिनट गूंधेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, पर 10 मिनट भी काफी है हाथ से। और एकदम आखिर में हल्का सा मैदा इसके ऊपर छिड़के और इस मैदे को आप हल्का सा मिक्स करें। इस मैदे को छिड़कने के बाद आप आटा गूंदने की कोशिश ना करें, ये केवल हमें आटा इकट्ठा करने के लिए चाहिए। तो बस हल्के हाथ से मिलाएं। आटा अभी भी हल्का सा स्टिकी है, ये ऐसा ही होगा, ये एकदम परफेक्ट है, हमारे डोनट्स अच्छे बनेंगे। ज्यादा टाइट अगर आपने आटा कर लिया तो डोनट बहुत टाइट से बन जाएंगे। तो इस तरह का ही बिल्कुल ये डो होना चाहिए। ऑयल लगाकर इसे हल्के हाथ से ऐसे फोल्ड कर ले और देखिए एक अच्छा सा गोला इसका बन गया है। एक बर्तन में तेल लगाएं और इस चिकने से गोले को रख दे आप 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर 2 घंटे भी लग सकते हैं समर में। ये डबल हो जाना चाहिए साइज में, ये इम्पोर्टेंट है। डो अच्छे से फूल गया है, डबल हो गया है। अब इसे डिफ्लेट करना है और हल्का सा मिक्स करना है। अब इसके बाद आपको ज्यादा गूंदने की जरूरत नहीं है, इसकी पूरी एयर यानी हवा निकाल दें और इकट्ठा करके इसका एक गोला बनाएं। ऐसा करने के बाद आपको इसकी छोटी छोटी लोइयां बनानी है। हम बना रहे हैं डोनट होल्स। आप चाहें तो इसी डो से नॉर्मल डोनट्स बना सकते हैं, पर डोनट होल्स का भी अपना मजा है। इस गोले पर यानी छोटी सी लोई पर ज्यादा क्रैक्स ना रहे, इसलिए डो को साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करें और आखिर में इसे दबा लें इस तरह से, तो अच्छा स्मूथ एक स्फीयर आपको मिल जाएगा बिना क्रैक्स का। बस ऐसे ही बाकी के भी डोनट होल्स या फिर आप कह सकते हैं डोनट बॉल्स, डो बॉल्स आप बना लें। इन्हें बनाने के साथ साथ आप किसी पार्चमेंट पेपर पर रखें, मतलब पार्चमेंट पेपर पर रख सकते हैं या फिर एक प्लास्टिक की शीट पर जिस पर से आप इसे उठा सके। मैंने थोड़ा सा मैदा भी छिड़का हुआ है पेपर पर। 15 से 20 मिनट आप इसे रहने दें और थोड़े से फूल जाएंगे, और इसके बाद हम करने वाले हैं इन्हें फ्राई। आप इन्हें OTG में भी बेक कर सकते हैं, OTG या फिर कन्वेक्शन। 200°C पर ओवन को प्रीहीट करें और फिर 10 से 12 मिनट तक इन्हें बेक करें। मीडियम या मीडियम टू हाई के बीच आप इन्हें फ्राई करें। एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, वरना ये बाहर से केवल ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर कच्चे रह जाएंगे। तो शुरुआत में आप मीडियम करें, टुवर्ड्स द एंड आप थोड़ा सा हाई कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। लो फ्लेम पर फ्राई ना करें, ये ऑयली बन जाएंगे। बस इन्हें निकाल कर आप एक चलनी में डालें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये ज्यादा ऑयली नहीं बनते हैं, मतलब ऑयल आपको बाहर पता चलेगा पर अंदर तक नहीं जाता है। बस इसी तरह से बाकी के डोनट होल्स को भी फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद हमें इन्हें कोट करना है चीनी से। चीनी नॉर्मली जो कैस्टर शुगर होती है, जो एकदम दानेदार चीनी होती है, वो आप यूज कर सकते हैं।
बूरा शक्कर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो घर पर ही आप चीनी को थोड़ा सा दरदरा मिक्सी में पीस सकते हैं और कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी में सिनेमन यानी दालचीनी की पाउडर नहीं डाली है, पर आप चाहे तो फ्लेवरिंग के लिए थोड़ी सी दालचीनी की पाउडर भी चीनी में मिला सकते हैं कोट करने से पहले। वंस इन अ वाइल या फिर पार्टी में या फिर बच्चों का अगर गेट टुगेदर और आपको कुछ फैंसी चीज़ बनानी है लेकिन घर पर बनानी है, बाहर से नहीं लानी है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। वैसे तो ये ऐसे ही खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, पर आप इन्हें सर्व कर सकते हैं चॉकलेट गनाश के साथ या फिर नटेला या फिर सिमिलर चॉकलेट स्प्रेड के साथ। काफ़ी हल्के फुल्के स्पंजी डोनट्स हैं, बाहर से हल्की सी शुगर से कोटेड। मैं यहाँ पर इसे चॉकलेट गनाश में डिप कर रही हूँ, ये मैंने घर पर ही बनाया है। काफ़ी हल्के फुल्के अच्छे टेक्सचर वाले बने हैं, फ्राइंग सही से होनी चाहिए या फिर बेकिंग, ताकि ये जो डोनट्स हैं अंदर तक पक जाएं। ये डोनट होल्स बहुत ही कमाल के लगते हैं, छोटे छोटे, और अगर आप इसे नटेला या फिर किसी चॉकलेट गनाश के साथ डिप के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।